इस वक्त बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, एक दुखद खबर है। रमई राम जो आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, पटना के एक निजी अस्पताल में उनका निधन हो गया है। तो एक शोक भरी खबर है। बता दें कि रमई राम की राजनीतिक शख्सियत को आप समझ सकते हैं, कुल 9 बार विधायक चुने गए। बोचहा विधानसभा से रमई राम के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो इतनी बार विधायक चुना गया हो। बोचहा में उनकी खास पकड़ थी और वो 9 बार वहां से विधायक का चुनाव जीत चुके हैं, 5 बार कुल मिलाकर मंत्री रह चुके हैं। और बोचहा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने वीआईपी का दामन थाम लिया। और क्यों दामन थामा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रमई राम चाहते थे कि उनकी बेटी गीता देवी को आरजेडी टिकट दे। कहा जाता है कि सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन एन मौके पर मुसाफिर पासवान के बेटे अमर पासवान तेज यादव से मुलाकात करते हैं और तेज यादव अमर पासवान को वहां से टिकट देते हैं। बोचहा विधानसभा आरजेडी जीत भी जाती है। जब अमर पासवान को टिकट दिया जाता है, इसके बाद रमई राम नाराज हो जाते हैं और अपनी बेटी के साथ वो वीआईपी का दामन थाम लेते हैं। तो रमई राम जो आरजेडी के कद्दावर नेता रहे, और सिर्फ आरजेडी से ही नहीं, वो जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीत चुके थे, जनता दल के टिकट पर चुनाव जीत चुके थे। 3 और अन्य दल हैं जिनके टिकट पर चुनाव लड़े और बोचहा से विधानसभा का उपचुनाव जीता। कुल मिलाकर 5 बार मंत्री रहे, यानी आप रमई राम की राजनीतिक शख्सियत को समझ सकते हैं। आरजेडी में उनकी गहरी पैठ थी, लालू यादव के काफी करीबी थे, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव से जो है कहीं ना कहीं रमई राम की जो स्थिति है वो बोचहा में कमजोर होने लगी। और 2020 के विधानसभा चुनाव में जो मुसाफिर पासवान है उन्होंने 10 से 11 हजार मतों के अंतर चुनाव हरा दिया। उसके बाद अमर पासवान जो एक युवा चेहरा है, तेज यादव से बातचीत हुई, तेज यादव को अमर पासवान पसंद आए, उनको लग गया कि बोचहा में अमर पासवान आरजेडी के लिए त्रुप का पत्ता हो सकते हैं, और उन्होंने टिकट काट दिया है, तो काट दिया था, जिसके बाद नाराज चलने लगे। तो रमई राम का पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। एक दुखद खबर है कि बिहार का एक बड़ा राजनीतिक शख्सियत जो है, जो 9 बार विधायक का चुनाव जीता, 5 बार मंत्री रहा, और सिर्फ आरजेडी नहीं बल्कि जेडीयू का टिकट, जनता दल के टिकट पर, 3 अन्य दलों के टिकट पर चुनाव लड़े और जीते। तो इस वक्त जो है एक बड़ी खबर है, रमई राम जो लालू यादव के काफी करीबी थे, चहेते थे, लेकिन 2020 के बाद जो चुनाव हुआ बोचहा का, वहां पर कुछ इस तरीके का राजनीतिक समीकरण बना कि तेज यादव को मजबूरन अमर पासवान को टिकट देना पड़ा, जीत और हार को ध्यान में देखते हुए, जिसके बाद रमई राम जो है नाराज हो गए थे और बेटी गीता देवी के साथ वीआईपी का दामन थाम लिया था। बता दें कि जो बोचहा है वो रमई राम का जो है गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2020 में बाकायदा रमई राम जो है वो चुनाव हार गए थे। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस मौके पर जब रमई राम का निधन हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष जाते हैं या नहीं, सत्ता पक्ष कौन कौन से नेता जाते हैं। हमारी नज़र जो है इन तमाम जो डेवलपमेंट्स पर है वो बनी रहेगी कि कौन कौन से वो राजनीतिक शख्सियत हैं जो रमई राम से मिलने जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े, आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते भी, जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े, यानी आप समझ सकते हैं कि वो कितने लंबे वक्त से राजनीति में सक्रिय थे। तो पूरी संभावना है कि जो तमाम सियासी पार्टियां हैं उसके बड़े बड़े नेता जो है उनके अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। तो हमारी नज़र जो है इस पूरी घटना पर बनी रहेगी। आप देखते रहें NBC 24, हम आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।